और उनकी पत्नियों के मंगल सूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएंगे कौन थे वो लोग जिसकी वजह से यह अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को, और सरकार ने क्या किया और सरकार ने क्यों नहीं उनको एरोप्लेन उपलब्ध कराए, जब गवर्नर जी ने कहा था, मलिक जी ने, कि आप फौज को इधर से उधर ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट का प्रयोग करें, तब यह सरकार उनको एयरक्राफ्ट तक नहीं दे पाई थी। और हम सब भूल जाते हैं उनके बलिदान को, तो इस बार किसी को भूलना नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचित्र तरह के भटकाने वाले मुद्दे यह सरकार लेके आती है, जिससे कि आप भूल जाएं कि पिछले 10 सालों में किस तरह अन्याय का प्रकोप इस सरकार ने सभी वर्गों के लोगों पर किया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की भी लड़ाई है, और संविधान के माध्यम से जो हमें हक, सम्मान और अधिकार मिला है, इसको भी जीतने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और पूरे जोश के साथ और होश के साथ ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हमें अपने अधिकारों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। और यह उत्तरदायित्व अब आप सबके कंधों में है कि आप इस लोकतंत्र की रक्षा करें, और हर लोग जो आज उपस्थित है, आप सब लोग लोकतंत्र और संविधान के रक्षक बने, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि नौकरियों में जो आरक्षण प्राप्त है, जो आपका हक, सम्मान और अधिकार है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ये इसको भी हटा देना चाहते हैं। तो मेरे युवा साथियों से अपील है कि ये भविष्य आपका है और ये प्रदेश भी आप ही का है, तो ऐसे प्रदेश से ऐसी सरकार को हटाइए जिसने आपके भविष्य से खिलवाड़ किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले समय में जिम्मेदारी आपके परिवारों की आपके कंधे में होगी। जो परिवार वाले नहीं है वो कैसे जानेंगे कि जिम्मेदारी क्या होती है परिवार की, तो ये आपकी, ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप अनुज टंडन को भारी मतों से जिताने का काम करें, क्योंकि जब अनुज टंडन जीतेगी तो केंद्र की सरकार तो हटेगी, इसी के साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी गड़बड़ाएगी और हट सकती है। और जो विकास की गंगा और समाजवादी पार्टी के समय कही थी, जिसने कोई बार नहीं छूटा था, तो वही विकास की गंगा अगर हमें उत्तर प्रदेश में बहानी है, अगर हम चाहते हैं हमारा किसान खुशहाल हो, आज किसानों की हालत बहुत दयनीय है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोगों को मैं वादा किया था कि आपका अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उन्हीं लोगों ने महंगाई की वजह से आज किसान की जो आमदनी है वो आधी से भी कम कर दी है, और वही हमारे किसान भाइयों को रात के समय भी चैन की नींद नहीं आती है, क्योंकि हमारा पशु कहीं ना कहीं उनके खेतों को चलने के लिए तैयार है। इस सरकार ने जो हमारा किसान का बेटा कहीं ना कहीं जवान की नौकरी करता था, फौज में भर्ती होता था, इस सरकार ने वो फौज की नौकरी भी कहीं ना कहीं अग्निवीर जैसी योजना लाके हमारे किसान, हमारे जवान दोनों को मायूस करने का काम किया है, और इसी के साथ अग्निवीर जैसी योजना लाके इन लोगों ने देश का भी सम्मान गिराने का काम किया है।